हमारी बिरादरी का आधार कमजोर है, ऊपर कोई सुनने वाला नहीं है, पीछे भी जो कांग्रेस आई उसी के दम पर आई। पायलट साहब तो सीएम देखना चाहें जी हम राजस्थान का, वो सभी का नेता होता है, चाहे वो कोई भी जाति हो, चाहे वो कोई भी समाज हो। हम ये चाह रहे हैं कि युवा नेता है पायलट जी जरूर आए, आपके नए आगे आए, हम उनके लिए सदैव तैयार। अब भी अगर नहीं देते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। युवा को कांग्रेस में चमकने का मौका कम दिया जाता है, जैसे ज्योतिराज सिंधिया को जाना पड़ा। घर का मुखिया मजबूत हो तल्ले ठीक काम करें, घर का मुखिया मजबूत न हो तो तल्ले बिखर जाए। मुसलमान लोग ज्यादा हैं टोंक सिटी में भी, और वो सब उसके पायलट जी सचिन के साथ दिए, वोट दिया उन्होंने जिताया, तो गुजर थोड़ी है। जब शुभ मुहूर्त आएगी तो ये सारे हथकंडे पीछे रह जाएंगे और वो आसन पर विराजमान। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर कसाना हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके, गुर्जर समाज की वीडियो लेके। और आज हम आए हैं मेन वीडियो बनाने के लिए सचिन पायलट जी के ऊपर, और सचिन पायलट जी के लिए हमने रुक किया राजेश पायलट जी की ससुराल सकलपुरा से। क्या आज जो गांव के लोग कैसे देख रहे हैं पायलट जी को, और किस तरह से देख रहे हैं आज जो सचिन पायलट जी की कहीं ना कहीं कसमकस चल रही है, कुर्सी की लड़ाई चल रही है गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, तो क्या है इस गांव के लोगों की राय, ये जानने के लिए आज आए हैं हम सकलपुरा में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत के गुर्जर में। सचिन पायलट जी को किस तरह से आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका ननिहाल भी यहीं पर है तो, और कसमकस की लड़ाई एक चल रही है, कुर्सी की लड़ाई चल रही है, सीएम उनको बनाया नहीं जा रहा है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? हमारे परिवार के लिए वो हमारे घर के आदमी हैं और गुर्जर गौरव है, उससे उच्चे कद का आदमी हमारी बिरादरी में कोई है नहीं। राजस्थान में बीजेपी है तो युवाओं की एक होड़ मची हुई है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं युवाओं को मौका ही नहीं दे रही है, तो अगर वो सीएम बनेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए तो कुछ अच्छा ही होगा। वो जो भी आदमी आगे राजनीति में जाता उसको बेस हो, आधार हो, हमारी बिरादरी का आधार कमजोर है, ऊपर कोई सुनने वाला नहीं है, जो उसके सपोर्ट में खड़ा हो तो वो बढ़ेंगे, और पीछे सपोर्ट में नहीं है तो क्या करें। सिंधिया जी और ये दोनों कांग्रेस में तो इन्हें ऊपर न्यूने ऊपर जान दे कभी, और ये जो वहाँ के चीफ हैं कांग्रेस के उन्हें पीछे छोड़ दें। हर आदमी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए उस कुर्सी के बराबर किसी को आने नहीं देना चाहता। पायलट साहब तो सीएम देखना चाहें जी हम राजस्थान का, और हमें तो बहुत मतलब इस बात का, हमें क्या पूरे हमारे सारे गांव में दुख है इस बात का, आदमी महसूस करता उन्होंने इतने समय अपना 5 साल तक उसको कांग्रेस को जिताए के लाए, मेहनत करी गांव-गांव घर गए सब जगह, बहुत लंबा संघर्ष करा और कुर्सी से वंचित कर दिया। पायलट साहब को किस तरह से आप देख रहे हैं कि वो गुर्जर समाज के नेता बन के रह गए, 36 बिरादरी के पूरे? 36 बिरादरी के हैं वो तो पहले से भी, अभी उन्होंने अभी जो टोंक से हैं वहाँ तो मुसलमान लोग ज़्यादा हैं टोंक सिटी में भी, और वो सब उसके पायलट जी सचिन के साथ दिए, वोट दिया उन्होंने जिताया, तो गुर्जर थोड़ी है। आज की डेट में अगर बात करें तो एक नॉर्मल MLA है, कोई पद उनके पास नहीं है, कोई मंत्रालय उनके पास नहीं है, एक डिप्टी सीएम थे वो भी चले गए, अब तो किस तरह से देख रहे हैं आप? राहुल गांधी या वो तो उसको पसंद करते हैं, लेकिन ये गहलोत और अदर जो हैं ये वो टांग खींच रहे हैं, इस वजह से दिक्कत आ रही है। नहीं तो गहलोत जी बड़े हैं या राहुल गांधी या सोनिया गांधी बड़े हैं पार्टी वो इस समय, वो उस जहाँ राजस्थान में तो गहलोत की चलती है ना ज़्यादा बात, इसलिए वो निर्णय नहीं ले पा रहे, बार बार पीछे हट जाते हैं राहुल गांधी भी। तो 2023 में किस तरह से देख रहे हैं, किसका फायदा होगा कांग्रेस को, नुकसान होगा? नुकसान होगा, नुकसान होगा। हाँ, अगर सचिन पायलट जैसे पहले उसने मेहनत करी इस तरीके से, अब उनको आगे करते तो कांग्रेस जरूर प्रोग्रेस करती। नहीं, हमारी विचार से तो ये है कि युवा हैं, युवा नेता हैं तो वो बनने चाहिए, उसी में कांग्रेस के लिए, सभी के लिए, हमारे गुर्जर समाज के लिए अच्छा है, गुर्जर समाज के युवाओं के लिए बड़े शान की बात है। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि युवा नेता हैं पायलट जी जरूर आए, आपके नए आगे आए, हम उनके लिए सदैव तैयार। सचिन पायलट जी के दम पे ही राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, और इन्होंने सचिन पायलट को किनारा कर दिया, गहलोत जी को मुख्यमंत्री बना दिया, और यदि इन्होंने सचिन पायलट जी को जो उनका कद और जो उनको मिलना चाहिए था उसका फल यदि वो नहीं मिल पाएगा, अब भी अगर नहीं देते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो गलती मध्य प्रदेश ले लो, पंजाब में ले लो, कांग्रेस ने की है, वही अब राजस्थान में भी दोहरा रही है, वही गलती राजस्थान में भी दोहराई जा रही है, और सचिन पायलट ही दोबारा कांग्रेस को राजस्थान में ला सकते थे, अब कोई संभावना नहीं है, और हमारी बिरादरी नहीं,
हम तो चाहते हैं, गुजरों के सबसे बड़े नेता हैं, हम तो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन पीछे नाम भी चला, लेकिन उन्हें फिर पता नहीं क्या कांग्रेस का अपना मामला रहा, उनको नहीं बना पा रहे हैं, तो उसका नुकसान कांग्रेस को होगा और वो राजस्थान से ख़त्म हो जाएगा। ये कैसे आप अगर बात करें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पार्टी के जो बड़े शीर्ष नेता हैं, वो नहीं चाह रहे या गहलोत की वजह से सब चीज़ें हो रही हैं? असल में कारण क्या है, सचिन पायलट जी का कद ये चाह सोचते हैं कि कभी मुख्यमंत्री बनने के बाद में इनको फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष या उस कुर्सी की दौड़ में भी आ सकते हैं, क्योंकि वो लोकप्रिय चेहरा है और युवा हैं, तो कहीं कांग्रेस में इस चीज़ का भी डर है। तो क्या लगता है अगर कांग्रेस पार्टी उनको चेहरा नहीं बनाती सीएम का नेक्स्ट इलेक्शन में, तो उन्हें बीजेपी की तरफ जाना चाहिए या कांग्रेस में रहना चाहिए, अपनी नई पार्टी बनानी चाहिए? ये तो खैर उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उन्हें कांग्रेस में ही रहना चाहिए। अच्छा जी जी, ये जो राजनीति है इसमें जो पार्टी आगे बढ़े उस इंसान में खुद अट्रैक्शन हो, और जब तक खुद अट्रैक्शन नहीं होता पार्टी सत्ता में नहीं आती। और जो राहुल जी के निर्णय में पहले टीम वर्क थी, अच्छे बड़े नेता थे, उनको इग्नोर कर दिया, तो अब पार्टी ढीली होती चली गई। और वो खुद को अपना ज्ञान विज्ञान हो, खुद अनुभव हो, जब तक अनुभव ना हो आदमी आगे कुछ सीखता नहीं है। तो इस पूरी जो लड़ाई चल रही है राजस्थान की, इसमें आप गलती किसकी देख रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व की देख रहे हैं या राजस्थान से कुछ खिचड़ी पकड़ी है? शीर्ष नेतृत्व अब इतना प्रभावी नहीं रहा, शीर्ष नेतृत्व को भी चुनौती दे रहे हैं। जैसे परीक्षक अजय हर भेज दिए थे, अजय हर खड़गे, तो वहाँ वो राजस्थान के विधायकों ने सीपी जोशी को रिजाइन सौंपने की धमकी दे दी। जो प्रेशर मुखिया का घर में होना चाहिए, अगर वो ना रहे तो घर खंडबिंड हो जाएगा। कहीं ना कहीं तानाशाही चल रही है, कोई देखने वाला नहीं है, ऊपर शीर्ष नेतृत्व पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा कि क्या है, मजबूत नहीं है। जब वो मजबूत हो, घर का मुखिया मजबूत हो, तल्ले ठीक काम करें, घर का मुखिया मजबूत ना हो तो तल्ले बिखर जाएं। तो यही कांग्रेस का कोई भी पार्टी है उसका यही हाल है। सचिन पायलट जी की ननिहाल भी है, और जो खींचतान राजस्थान में चल रही है कुर्सी को लेकर, सीएम की लेकर, तो क्या वाकई सचिन पायलट गुर्जर समाज के नेता हैं या छत्तीसगढ़ बिरादरी के नेता हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि वो सभी के नेता, क्योंकि उनमें ज्ञान, उनमें क्षमता, उनको वो विरासत में भी मिली है और उसके संस्कार में भी है। यदि मैं ये कहूँ कि गुर्जर बिरादरी के भी, कहाँ हम लोग उस पर फ़ख्र करते हैं कि वो हमारी बिरादरी का है, वो भी ये फ़ख्र करता है, लेकिन जो नेता होता है वो सभी का नेता होता है, चाहे वो कोई भी जाति हो, चाहे वो कोई भी समाज हो, और होना भी उसे चाहिए, महानता भी उसकी वही है। तो ऐसा क्या कारण है कि उनको सीएम नहीं बनाया जा रहा है, एक युवा चेहरा है, लोकप्रिय नेता है, तो क्या कारण है इसका? देखिए, उसमें ज़्यादा तो मैं राजनीति जानता नहीं हूँ, लेकिन उसमें जो गहलोत का और सचिन पायलट का जो आंकड़ा है वो ठीक नहीं है, और गहलोत जो है वो गांधी परिवार के काफ़ी करीब है। तो ये करीबी है या गहलोत ज़्यादा हावी है राहुल गांधी? नहीं, नहीं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें ये भी फैक्टर्स है कि वो युवा है, और युवा को कांग्रेस में चमकने का मौका कम दिया जाता है, जैसे ज्योतिराज सिंधिया को जाना पड़ा और बहुत सारे लोग रहे हैं, या ये कहिए कि वक्त की अभी शुभ मुहूर्त नहीं आई है, जब शुभ मुहूर्त आएगी तो ये सारे हथकंडे पीछे रह जाएंगे और वो आसन पर विराजमान हो जाएंगे। तो क्या देख रहे हैं आप 2023 में, जब सरकार अब चुनाव आने वाली है, अगर सचिन पायलट को चेहरा नहीं बनाया जाता है तो क्या वापसी, कांग्रेस की वापसी है या नहीं है? देखिए, अब पीछे जब बगावत हुई थी तो सचिन पायलट को ये आश्वासन दिया गया था कि नेक्स्ट चुनाव में आप ही सीएम होंगे, आप ही चेहरा होंगे। अब कितने अपने कथन पर सत्य उतरती है कांग्रेस, और कितने अपने कथन पर वो बनने वाला जो नया नेता आ रहा है खड़गे सिंह, कितने अच्छे उतरते हैं, तो समय बताएगा। वो मुख्यमंत्री बनना चाहिए और वो काबिल और योग्य है। नहीं, वो इसलिए बनना चाहिए कि गुर्जर समाज से है या लोकप्रिय नेता है, इसलिए बनना चाहिए? लोकप्रिय नेता है, और काम किया उसने राजस्थान में, कांग्रेस को लाने का काम ही सचिन पायलट का था, अन्य पीछे तो लुटिया लौट गई और दोबारा जो आई इसके दम से आई। तो कैसे देख रहे हैं 2023 में, अगर नहीं कांग्रेस इसको मौका देती तो क्या कांग्रेस वापसी करेगी, नहीं करेगी? नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट सकलपुरा गांव से, सचिन पायलट के जो ननिहाल है, हमने यहाँ पे आए, हमने लोगों से बात की कि भाई किस तरह से आप सचिन पायलट को देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो गुर्जर समाज से हैं इसलिए आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, या एक वो लोकप्रिय नेता है इसलिए आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो गाँव का कहना है कि वो एक लोकप्रिय नेता है, 36 बिरादरी के नेता हैं, कोई गुर्जर समाज के नेता नहीं है।
तो ऐसी ही वीडियो, गुर्जर समाज की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अगर आप भी भारत के गुर्जर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इस थैंक्स बटन के द्वारा भी कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं। आपका ये सपोर्ट भारत के गुर्जर चैनल के लिए बहुत जरूरी है।